सरकारी दावों के अनुसार गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, लेकिन जब हमने मंडियों का जायजा लिया तो कुरुक्षेत्र के थानेसर मंडी के हालात कुछ और ही हैं। किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मंडी गेहूं खरीद के लिए मुकम्मल तैयार है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जहां गेहूं खरीदी जानी है वहां अभी नियमित रूप से सामान इत्यादि पड़ा है। उधर मंडी आढ़ती एसोसिएशन के महासचिव हरविंदर बंसल ने तो गेहूं खरीद की पूरी पोल ही खोल दी है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी तक उनके पास नहीं आई है, यहां तक कि आढ़तियों को बारदाना भी नहीं दिया गया है। हालांकि मंडी में बारदाने का बड़ा भंडार लगा है, लेकिन आढ़तियों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं मंडी आढ़ती एसोसिएशन महासचिव हरविंदर बंसल का कहना है कि अभी तक नोडल अधिकारी ने कोई बैठक नहीं ली है और गाइडलाइन जो खरीद से पहले की जाती है उसके बारे में भी आढ़तियों को अवगत नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने गेहूं खरीद को लेकर एसोसिएशन की तरफ से कई दिन पहले कुछ खास बिंदुओं पर प्रशासन से चर्चा की थी, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहेंगे सर तैयारियों को लेकर के? क्या हाँ जी, हमने अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था करवा दी है और बिजली पानी की व्यवस्था कर दी गई है। पिछले साल गेहूं 1,81,000 क्विंटल के करीब आया था, तो उसके हिसाब से इतना हो जाएगा इस बार भी। कोविड भी है जी, उसके लिए क्या? हाँ, कोविड के लिए हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि किसानों को तक आप भी मैसेज पहुंचाएं कि वो सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें, और हमने भी जगह जगह पे लिख के भी लगा दिया है कि सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें। तो उसके अलावा एक शेड की भी व्यवस्था की जा रही है। हाँ, मंडी के गेट पर हमने एक किसानों को गेट पास करते समय दिक्कत ना हो टेम्परेरी शेड भी लगवा दिए हैं। तो सरकारी खरीद के लिए जो एजेंसी है वो कुछ नियुक्त हुए कुछ? हाँ, यहाँ पर 2 खरीद एजेंसियां रहेंगी, DFSC और हैफेड। क्या कहेंगे सर, कल से गेहूं खरीद है, क्या तैयारी है मंडी में? अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, हमारी जो कुछ दिन पहले DC साहब के साथ मीटिंग हुई थी तैयारियों के बारे में, और DC साहब ने हमारी बहुत सारी डिमांड थी उनको सुनकर हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। आढ़तियों ने भी आश्वासन दिया था कि हम भी आपको पूरा खरीद में सहयोग देंगे, लेकिन जो जो हमने पॉइंट्स रखे थे उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन उसके बाद ना तो कोई उन्होंने नोडल अधिकारी कोई मंडी में हमें पता नहीं है, कम से कम बनाया हो तो हमें नहीं पता कि कौन है नोडल अधिकारी, क्योंकि नोडल अधिकारी ना तो कोई मंडी में आए ना उन्होंने कोई मीटिंग ली है। तैयारियाँ बारदाने के लिए हमने डिमांड की थी कि बारदाना खरीद से 1-4 दिन पहले एडवांस में दे दिया जाए, और उन्होंने कहा था कि बारदाना हम पहुँचवा देंगे सबके पास, आज तक बारदाना भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो एक हमने कहा था कि 2 साल से हमारी पेमेंटें रुकी हुई हैं उसकी TDS की, वो आज तक जमा नहीं हुआ है। डी साहब ने कहा था अभी हम वो करवा देंगे, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक हमारी पिछले साल की DFSC की पेमेंटें रुकी हुई हैं मंडी में, उसका कुछ नहीं हुआ। एक हमारा DFSC का जो ब्याज उन्होंने काटा था, जो किसानों की पेमेंट लेट हुई थी, क्योंकि हैफेड ने तो वो ब्याज वापस दे दिया था लेकिन DFSC ने नहीं दिया था, तो इन्होंने कहा था कि हम जल्दी भिजवा देंगे, वो आज तक हमारे खाते में नहीं आया। खरीद एजेंसियां तय हुई हैं कुछ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर, कोई हमें ये नहीं पता कि हमें हमारी एजेंसियां हैं कौन कौन सी मंडी के अंदर, कितना कितना माल परचेज करेंगी, कितना कितना उनको एलोकेशन हुआ है, कितना कितना माल परचेज करेंगी, अभी तक कुछ नहीं पता है। लाइट वाइट और सफाई के लाइटें के लिए तो हमने खैर कहा था SDM साहब को, SDM साहब ने लाइटें लूटे ठीक करवा दी थी, पानी का भी ठीक इंतजाम करवा दिया था, वो तो कोई हो गया था, और वो कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। सबसे मेजर जो समस्या है वो ये है कि कम से कम मंडी में एक गाइडलाइन आए कि हम कब से शुरू करेंगे, कितने मॉइस्चर का माल लेंगे, क्या क्या हिसाब होगा, हमें उसके बारे में आज तक कुछ नहीं पता। पोर्टल के बारे में भी सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब वो पिछड़ रहे हैं। हमारी जब CM साहब से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि पोर्टल आपके हिसाब से किया जाएगा, किसान की मर्जी से पेमेंट दी जाएगी। हमने उस दिन DC साहब से मीटिंग में यही कहा था कि हमसे जब पोर्टल तैयार करवाया गया था किसान का, तो हमसे यही आश्वासन दिया था कि किसान की मर्जी से होगा, और हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर, पंजाब के अंदर 1% भी किसान अपने खातों में पेमेंट नहीं लेना चाहते, लेकिन अब सरकार ये कहती है कि नहीं जी, हम तो किसान के खाते में ही पेमेंट देंगे। इसको लेकर के कोई गाइडलाइन आई है कि नहीं? नहीं, खरीद को लेकर सर, वो हमारे पास ऑफिशियली कोई खरीद के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कोई गाइडलाइन नहीं है जी। कुछ नहीं पता जी अभी तक हमें, तो हम तो वही चाह रहे थे अभी, कम से कम हमें पता तो लगे ना भाई आप किस हिसाब से माल खरीदना चाहते हैं, कौन कौन जैसे एजेंसी हमारे यहाँ परचेज करेगी, किस 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 दिन एजेंसी की क्या क्या परचेज है, पेमेंट हमें कैसे मिलेगी, कौन देगा पेमेंट, अभी अखबारों के थ्रू पता लग रहा है, मंडी में गाइडलाइन कोई नहीं आई है। कौन सी
कोरोना को लेकर के कुछ नियम? कोरोना की तरफ से हम आड़ती लोग तो अपनी तरफ से पूरा प्रकाशन रखते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन कोरोना के लिए तो कम से कम नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।